It is rightly said that the bad news is that time flies and the good news is that we are the pilot so how you want to make use of your time totally depends on us and therefore today I am here to tell you something about this important time that we are going on during this covid pandemic and how can you make best use of this time

काफी सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं हैव स्टार्टेड राइटिंग देयर रिसर्च पेपर्स एंड रिसर्च आर्टिकल एंड जब भी आप ये रिसर्च पेपर एंड आर्टिकल लिखते हैं तो सबसे बड़ा चैलेंज जो स्टूडेंट्स को आता है दैट दीज डॉक्यूमेंट्स, दीज सिनोप्सिस आर एक्चुअली प्लेगराइज्ड सो बेसिकली प्लेगरिज्म का मतलब ये होता है दैट इट हैज बीन कॉपीड फ्रॉम समवेयर एंड इट इज बाउंड टू गेट रिजेक्टेड लेस देन टेन परसेंट प्लेगरिज्म में होना चाहिए इन ऑर्डर टू बी गेटिंग एक्सेप्टेड सो अगर आपके में दस से ज्यादा है सो दैट पटल डॉक्यूमेंट वुड गेट रिजेक्टेड सो आज मैं आपको बताने वाला हूं दैट वट आर द मैथड आर द वेज दैट आई हैव बीन यूजिंग जिसकी वजह से ऑटोमेटिकली जब आप पहला टेस्ट करते हैं या फिर फर्स्ट टाइम यू आर रिकॉलिंग और चेकिंग योर डॉक्यूमेंट तो आपका जो प्लेगरिज्म आता है वो लेस देन 15 परसेंट आएगा दैट मींस सिर्फ थोड़े बहुत चेंजेस आपको करने हैं एंड उसके बाद ऑटोमेटिकली आपका प्लेगरिज्म आप रिड्यूस करके लेस देन 10 परसेंट पर ला सकते हैं तो आज इन सारे मेथड्स के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं तो प्लीज इस वीडियो को जरूर देखिए एंड अगर आपको हमारा ये सेशन पसंद आता है तो वीडियो को लाइक like जरूर करिएगा सो so, जल्दी से आगे बढ़ते हैं एंड देखते हैं डेट वॉट आर दीज मेथड वॉट आर दीज वेज जिसके बेसिस पे हम प्लेगरिज्म रिड्यूस कर सकते हैं सो लेट्स गेट स्टार्टेड सो so, आज हम पांच वे सीखने वाले हैं डेट हाउ कैन वी अवॉइड प्लेगरिज्म इन एनी काइंड ऑफ डॉक्यूमेंट चाहे वो सिनोप्सिस लिखा हो आपने या फिर आपने कोई रिसर्च पेपर लिखा हो या फिर कोई और आर्टिकल आपने लिखा है टू बी पब्लिड इन सम काइंड ऑफ मैगजीन तो मैं दोबारा बता चुका हूं बट अब दोबारा एक बार रिकॉल कर देता हूं आपको कि कोई भी डॉक्यूमेंट जो आप भेज रहे हैं उसके अंदर एटलीस्ट लेस देन टेन परसेंट प्लेगरिज्म होना चाहिए अदरवाइज द डॉक्यूमेंट वुड नॉट गेट एक्सेप्टेड अगर दस परसेंट से ज्यादा प्लेगरिज्म है तो स्ट्रेट अवे आपका डॉक्यूमेंट या सिनोप्सिस जो जो भी आपने भेजा है वो रिजेक्ट कर दिया जाता है सो लेट अस स्टार्टेड एंड सी दैट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टर्म प्लेगरिज्म प्लेगरिज्म का मतलब क्या होता है सबसे पहले हमें ये समझना जरूरी है सो अकॉर्डिंग टू मेरियम वेबस्टर ऑनलाइन डिक्शनरी टू प्लेगराइज मीन्स टू स्टील एंड पास ऑफ द आइडियाज और वर्ड्स ऑफ अदर एज वंस ओन मतलब अगर आप किसी और का कोई भी आइडिया या फिर कुछ और लिखा हुआ कॉपी कर लेते हैं एंड यू टेल देम देम विदाउट गिविंग प्रॉपर साइटेशन उनको क्रेडिट दिए बिना आप यह बोलते हैं दैट दिस इज ऑफ योर ओन ये आपने कहा है सो दैट इज द डेफिनेशन ऑफ या फिर आप किसी और का लिखा हुआ कोई डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस कर देते हैं विदाउट क्रेडिटिंग द सोर्स सो अगर आपने किसी और का कंटेंट यूज भी किया है या फिर किसी और के वर्ड या फिर आइडिया को यूज भी किया है अपने डॉक्यूमेंट के अंदर तो उसको क्रेडिट देना या फिर एक्नोलेज करना बहुत ज्यादा जरूरी है आप को ये बताना पड़ेगा कि वो आइडिया आपने किस पर्सन से लिया है या फिर किस आर्टिकल से लिया हुआ है टू अवॉइड प्लेगरिज्म अदरवाइज वो प्लेगरिज्म माना जाएगा एंड बहुत सिंपल सेंस में उसे कहा जाता है टू कमिट लिटरली मतलब आपने किसी का लिटरेचर चुरा लिया है यू हैव डन इन देयर लिटरेचर सो ये एक बेसिक मतलब हो गया यहां एक छोटा सा एग्जाम्पल भी देखते हैं देखिए यहां पर डेफिनेशन के अंदर मैंने क्लियरली लिखा है अकॉर्डिंग टू मेरियम वेबसर ऑनलाइन डिक्शनरी सो अगर मैं यहां पर डिक्शनरी को इस पटलर इंपॉर्टेंट सोर्स को अगर क्रेडिट नहीं दूंगा इनका नाम नहीं लिखूंगा तो ये जो डेफिनेशन है ये भी प्लेगरिज्म में कवर की जाएगी मतलब मैंने ये चुराई हुई है बिकॉज आई गिवन प्रॉपर क्रेडिट तो इसलिए आपको क्रेडिट देना बहुत बहुत जरूरी हो जाता है वॉट एवर यू आर यूजिंग इन योर रिसर्च या फिर अपने आर्टिकल के अंदर सो आप जल्दी से वेस्ट देखते हैं दैट वॉट आर द वेस्ट सो एक बहुत फनी सा एग्जाम्पल है बहुत फनीस इमेज मैंने यहाँ पे लिया है वेयर इट इज शोन दैट वॉट डू यू मीन दैट ऑल फैक्ट्स आर रॉन्ग सो बेसिकली ही इज अ स्टूडेंट हीज सबमिटेड हिज पेपर टू हिस्स सुपरवाइजर या फिर अपने किसी टीचर को सबमिट किया है एंड ही इज बींग टोल्ड दट द फैक्ट्स आर रॉन्ग फैक्स आर नॉट क्रेडिबल एंड फाइनली लुक एट द रीजन डैट ही इज गिविंग आई कॉपीड एवरीथिंग स्ट्रेट फ्रॉम द इंटरनेट सो अगर वो ऑथेंटिक सोर्स नहीं है अगर आपने प्रॉपर क्रेडिबिलिटी नहीं चेक करी है दैट वेदर इट इज क्रेडिबल और नॉट या फिर उनको क्रेडिट नहीं दिया है सो so वो प्लेगरिज्म का पार्ट बन जाएगा एंड इट वुड बी कंसिडर्ड एज रॉन्ग सो गलत भी हो सकता है एंड प्लेगरिज्म का पार्ट भी हो सकता है बट आउटकम सेम रहेगा दैट योर डॉक्यूमेंट वुड गेट So, अब जल्दी से मेथड देखते हैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा मैं आपका तो सबसे पहला मेथड सबसे पहला मेथड uh, जो मैं यूज कर रहा हूं या आई हैव बीन यूज इंग सो मेनी इज आई राइट माई रिसर्च पेपर इज यूज ओरिजिनल आइडिया देखिए जितना ज्यादा आप ओरिजिनल आइडिया यूज करेंगे चाहे आप फाइनेंस में रिसर्च करना चाहते हैं एच आर में करना चाहते हैं या फिर मार्केटिंग में जितना ओरिजिनल आपका आइडिया होगा चांसेज उतने ही कम होंगे दैट इट इस्ट टू बी गेट इंग प्लेगरिज्म बिकॉज जितना ज्यादा आइडिया पुराना होगा जितना ज्यादा कॉपीड आइडिया होगा उसके मल्टीपल सोर्स कहीं ना कहीं से निकल के आ जाएंगे सो so, मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको देता हूं मार्केटिंग का लेट एस से डेट अ थ्योरी हैज बीन सेट या फिर आपने अपने पास लिटरेचर में देखा दट अ पर्सनैलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल इफेक्ट द डिसीजन मेकिंग

पुट योर ओन क्वेश्चन एंड उसके बेसिस पे आप रिसर्च कंडक्ट करते हैं That means, आपने ऑटोमैटिकली एक ओरिजिनल आइडिया यूज किया है which is so, इस केस में ऑटोमैटिकली आपका प्लेग्रिजम कम आने के चांसेस हैं, बिकॉज इट्स अ नोवेल आइडिया इट्स अ ओरिजिनल आइडिया सो ये एक पहला मेथड है जो यूज करना चाहिए कि कोशिश हमेशा करिए कि कुछ ऐसा लेके आए विच हैज द फीचर ऑफ नोवेलिटी वो ओरिजिनल हो नया हो विच इज नॉट ऑलरेडी बींग अवेलेबल इन पब्लिक डोमेन या फिर वेल well स्टैब्लिश्ड ना हो इट इज इन द प्रोसेस ऑफ बींग रिसर्च या फिर अभी उसमें इंप्रूवमेंट की जा रही है सो so इसी तरीके से आप अपने अपने डोमेन्स में सबसे पहले एक ओरिजिनल आइडिया खोजना की कोशिश करिए नेक्स्ट सेकेंड चीज हमें क्या यूज करनी है जो सबसे ज्यादा आप यूज कर सकते हैं very, very इसको ध्यान से अगर आप प्रॉपरली पैराफ्रेज करते हैं तो मैक्सिमम मैक्सिमम आपकी जो प्लेगरिज्म होती है टेक्स्ट इन योर ओन वर्ड्स सो सबसे ज्यादा हम गलती क्या करते हैं एज अ इंडिविजुअल दैट हमें लेजीनेस की आदत होती है सो so, जब भी हम कहीं से कुछ मटीरियल पढ़ते हैं वेदर इट बी एनी रिसर्च पेपर हम उसे स्टेट अवे पूरा कॉपी कर लेते हैं

तो आप हो सकता है कि वहां पे इंपॉर्टेंट आपको लिखना है आप वहां पे असेंशियल लिख दें इंपेरेटिव लिख दें इस तरीके से सिनोनिम्स का यूज कर सकते हैं टू अवॉइड द एग्जैक्ट कॉपी ऑफ द टेक्स्ट तो यह एक और चीज आप कर सकते हैं लास्ट बट नॉट द लीस्ट आस्क योर सेल्फ दैट इफ यू हैव इंक्लूडेड

इंपॉर्टेंट टेक्निक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड यह आपको मैक्सिमम हेल्प कर देता है इन द रिडक्शन ऑफ योर प्लेगरिज्म

फील्ड एकेडमिक फील्ड में से बहुत सीरियसली कंसिडर किया जाता है अगर आप प्लेगरिज्म में पकड़े जाते हैं सो so एक बार अगर आपको किसी जर्नल ने ब्लैकलिस्ट कर दिया तो so आप बाद में कभी भी उस जर्नल में नहीं बेच पाएंगे एंड काफी सारे लोग ये सोचते हैं कि हमने छोटे मोटे आर्टिकल्स लिखे हैं अगर हमने किसी जर्नल में भेज भी दिया तो क्या फर्क पड़ता है लेट मी जस्ट वॉन यू की कई बार क्या होता है कि आप पब्लिकली इतने हेरस हो जाते हैं पब्लिकली वो अगर डाल देते हैं अपनी वेबसाइट के ऊपर तो आपका फ्यूचर में जो बैकग्राउंड होता है क्रेडेंशियल होता है वो बहुत ज्यादा खराब हो जाती है एंड अदर पब्लिशर्स वुड ऑल्सो

कोई िस लिख रहे हैं तो आप साइटेशन जरूर देंग्जाम्पल सा दिया है। 2018 the early onset of than 30. अब इस को जरूर अपने में लिखा है बट देखिए स्टिल उन्होंने सोच दिया है कि स्टेन ट्वेंटी एटीन का जो पेपर है इस ऑथर ने जो ट्वेंटी एटीन में पेपर लिखा था उस पेपर के अंदर इन्होंने ये क्राइटेरिया दिया था ऑथर का नाम दे दिया हमने और साथ साथ हमने एंड में लास्ट में पेज नंबर भी बता दिया दैट इस पूरे आर्टिकल के अंदर

नंबर भी आपको साइट कर देना है तो so आप देख सकते हैं कि कितने सीरियसली साइटेशन एस्पेक्ट को फॉलो किया जाता है सो so अगर आप ऐसा करते हैं अपने वर्ड्स में लिखते हैं फिर साइटेशन दे देते हैं साइट कर देते हैं सोर्स को तो भी वो प्लेगरिज्म में नहीं काउंट किया जाएगा सो इज द थर्ड फोर्थ मेथड इज यूज कोटेशन मार्क्स अब कई बार ऐसा होता है कई बार ऐसी सिचुएशन होती है डेट आप कोई डेफिनेशन लिख रहे हैं आपको डेफिनेशन बतानी है किसी चीज की विच वॉज फर्स्ट गिवन बाय समिंग से एक और छोटा सा एग्जाम्पल लेता हूं सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में आपने पढ़ा होगा दैट द डेफिनेशन ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट वॉज फर्स्ट गिवेन बाय ब्रंडन रिपोर्ट तो जो ब्रंडन कमीशन आई थी दैट हैज गिवेन द डेफिनेशन ऑफ सस्टेनेबिलिटी पहली बार उन्होंने डेफिनेशन दी थी तो अगर आप एग्जैक्टली सेम डेफिनेशन यूज कर रहे हैं जो उन्होंने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट में दी है तो आप क्या कर सकते हैं कि आप एग्जैक्ट डेफिनेशन लिखिए बट दोनों साइड कोर्ट्स लगा दीजिए सो so, अगर आप एग्जैक्ट वर्ड टू वर्ड कॉपी कर रहे हैं डेफिनेशन वहां से बिकॉज इट इज इम्पेरेटिव कि आप पहली डेफिनेशन पे फोकस करना चाहते हैं तो आप साथ में डबल डबल कोट्स लगा दीजिए उस पर्टलर डेफिनेशन के एंड लास्ट में बता दीजिए दैट इट वॉज गिवन बाय विच ऑथर या फॉर एग्जाम्पल इस केस में आप लिख सकते हैं दैट अकॉर्डिंग टू ब्रंड एंड कमीशन द डेफिनेशन ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज दोनों साइड डबल कोट कर दीजिए एंड बीच में डेफिनेशन दे दीजिए सो so, अगर आप एज इट इज कॉपी कर रहे हैं तो आपको कोटेशन मार्क्स यूज करने पड़ेंगे एंड साथ साथ बताना पड़ेगा दैट वॉट इज द सोर्स ऑफ डैट पटलर डेफिनेशन या फिर ऑफ डैट पटलर थ्योरी, सो दैट इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड ये प्लेगरिज्म में नहीं काउंट होता बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट में कोटेशन यूज करके ही लिख दें अपने वर्ड्स में लिखना जरूरी है सो आई होप इट इज क्लियर लास्ट बट नॉट द लीज द वेरी इंपॉर्टेंट अगर आपने पहले चार मेथड प्रॉपरली फॉलो किए हैं डॉक्यूमेंट फॉर द पब्लिकेशन टू एनी इंस्टीट्यूट या फिर अपने synopsis को submit करने से पहले इन सॉफ्टवेयर का आप यूज कर सकते हैं टू चेक दैट हाउ मच इज द प्लेगरिज्म भी बताया था डेट जो भी डॉक्यूमेंट अभी मैंने लिखे हैं वट एवर रिसर्च पेपर लिटल आई है चार मेथड यूज करू एंड जब मैं फिफ्थ सॉफ्टवेयर में टेस्टिंग करता हूं तो हमेशा जो प्लेगरिज्म निकल के आता है दट कर्म्स आउट टू 12 या परसेंट इससे ज़्यादा कभी भी plagiarism नहीं आता अगर इतना plagiarism है तो उसे बहुत आसानी से rectify किया जा सकता है और लेस देन टेन किया जा सकता है इन ऑर्डर टू गेट इट एक्सेप्टेड इन एनी रिसर्च जर्नल फॉर सबसे पहले आप पहले चार मेथड यूज करिए एंड लास्ट में आप इस पांचवे मेथड का यूज कर सकते हैं टू आइडेंटिफाई दैट उ मच इज योर प्लेग्रिजम इन सॉफ्टवेयर का यूज कर सकते हैं आप यूज कर सकते हैं ग्रामरली ब्यूटिफुल सॉफ्टवेयर जो ग्रामर भी चेक करता है साथ साथ इसका ट्रायल वर्जन जो है वो फ्री अवेलेबल है अदरवाइज अगर आप पेड वर्जन लेते हैं तो वहां पर भी आप प्लेग्रिजम सॉफ्ट चेक कर सकते हैं Plagigem. So a lot of softwares are there. But personally, I have been using this particular software Turnitin. काफी सालों से मैं ये use कर रहा हूँ. Because इसका access मुझे provide किया जा चुका. I have taken the access of this particular software. So that was about the five methods. अब मैं आपको साथ में एक demo करके ये भी दिखाने वाला हूँ कि किस तरीके से आप Turnitin को use कर सकते हैं in order to check that how much plagiarism is there in your document. So let us have a look at that. सोनाओ लेट एस सी ए क्विक डेमो दैट हाउ केन वी यूज दिस पटल सॉफ्टवेयर टर्न इट इन टू चेक फॉर द so अगर आपके पास पेड सॉफ्टवेयर नहीं है पेड वर्जन नहीं है तो आप अदर सॉफ्टवेयर भी यूज कर सकते हैं जो फ्रीली अवेलेबल हैं जो अभी मैंने बताया था सच एज plagiarism चेकर एंड यू हैव ग्रामरली फ्री वर्जन एंड ऐसे ही बहुत सारी websites हैं जिसके बारे में अभी मैंने आपको बताया था तो आप उनमें से कोई भी यूज कर सकते हैं इफ यू not नॉट the

लॉग इन आई पासवर्ड काफी सारे लोग यूज कर सकते हैं काफी सारे स्टूडेंट्स यूज कर सकते हैं अगर आपको यूनिवर्सिटी से प्रोवाइडेड है तो जनरली आपको एक आई डी जनरेट किया जाता है एंड उस पर काफी सारे रिसर्च स्कॉलर यूज कर सकते हैं सो दे द डायलॉग बॉक्स और दिस इज द स्क्रीन दैट वुड कम इन फ्रंट ऑफ यू इस तरीके की आपके सामने स्क्रीन आएगी एंड सिंस आई हैव बीन आई एम वन ऑफ द स्टूडेंट्स हु पासवर्ड और एक्सेस तो इसलिए मैंने अपना एक क्लास क्रिएट कर लिया वन क्लास हैज बीन क्रिएटेड बाय द नेम शुभम ताकि ये पता चले कि शुभम एज अ स्टूडेंट हैज

आईम नॉट डूइंग इट बिकॉज इट ऑलरेडी बींग क्रिएटेड तो यहां से आप एड क्लास करके क्लास ट कर सकते हैं यू कैन गिव अ टाइटल टू द सेम अब मुझे क्या करना है मेरी नाम की ऑलरेडी क्लास बनी हुई है, so so है तो आपको एक नया असाइनमेंट बनाना पड़ता है, तो है जहां पे हमें एक असाइनमेंट क्रिएट करना होता है सो असाइनमेंट इज बेसिकली टास्क दैट आई एम गोइंग टू डू क्या टास्क मैं करने वाला हूं वो यहां पे क्रिएट करने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी मुझे सो दैट इज वॉट आई है यहाँ पे एक पेपर

नाम एंटर कर दिया है टाइटल कि किस टाइटल पे व्हाट इज द टाइटल ऑफ द डॉक्यूमेंट सो मैंने सी एस आर पे सिंस मैंने आर्टिकल चेक करना है सो आई हैव क्रिएटेड द नेम एज टाइटल एस तो ये मैंने क्रिएट कर लिया नाउ इट इज गोइंग टू आस्क मी दैट डॉक्यूमेंट मुझे कहां से पिक करना है दैट आई नीड टू चूज तो अगर आपके ड्रॉप बॉक्स में है गूगल ड्राइव में है या फिर कंप्यूटर में है तो वहां से आप डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं सो आई एम गोना अपलोड दिस डॉक्यूमेंट नाउ सो so ये देखिए मेरे डेस्कटॉप पे एक सी नाम से एक पीडीएफ फाइल क्रिएटेड है आप पीडीएफ फाइल भी अपलोड कर सकते हैं आप एक वर्ड डॉक्यूमेंट भी अपलोड कर सकते हैं सो दैट नॉट मैटर दोनों में से कुछ भी अपलोड कर सकते हैं बट द सिंपल थिंग इज दैट डॉक्यूमेंट शुड बी कंप्लीट ताकि आप उसमें चेक कर सके सो नाउ आई एम गोना यूज दिस बटल डॉक्यूमेंट सो ये मैंने अपलोड का ऑप्शन यूज कर दिया है सो इट द डॉक्यूमेंट इज गेटिंग अपलोडेड एंड वंस द डॉक्यूमेंट इज अपलोडेड आपको फाइनली प्लेगरिज्म की रिपोर्ट आ जाएगी आपको पता चल जाएगा दैट वॉट परसेंटेज इज योर प्लेगरिज्म कितना परसेंट आपके डॉक्यूमेंट में प्लेगरिज्म है जो कि जनरली टेन परसेंट से कम आना चाहिए दैट शुड बी द आइडल केस टेन परसेंट से ज्यादा आता है तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है सो दैट इज समथिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड एंड मैं एक और चीज़ बता दूँ कि जो रेफरेंसेज होते हैं उसे काउंट नहीं किया जाता जो बाद में आप रेफरेंसेज यूज करते हैं दैट इज समथिंग यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू काउंट सो मैंने डॉक्यूमेंट को कन्फर्म कर दिया दैट इट हैज बीन सबमिटेड नाउ आफ्टर सम टाइम आई नीड टू गो टू द इनबॉक्स एंड इनबॉक्स में कुछ देर बाद यहाँ पे मुझे सिमिलैरिटी ऑप्शन के पास मुझे मिल जाएगा दैट मेरा डॉक्यूमेंट कितना परसेंट सिमिलर है एंड आई कैन डाउनलोड दिस पर्टिकुलर रिपोर्ट टू सी कि कितनी सिमिलैरिटी आ रही है या फिर कितना परसेंट प्लेगरिज्म आया है मेरे इस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट के अंदर सो so, हम रिफ्रेश करते रहेंगे टू सी दैट हाउ मच इज इज इट कमिंग सो अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मेरे सामने रिफ्रेश होके आ गया है एंड इट इज कमिंग आउट टू बी टेन परसेंट तो इस पटल डॉक्यूमेंट में टेन परसेंट प्लेग्रिजम आया है सो फाइनली आई कैन डाउनलोड दिस पटल रिपोर्ट डाउनलोड करके मैं ये भी देख सकता हूँ कि कहाँ कहाँ पे प्लेगरिज्म आ रहा है एंड आई कैन इम्प्रूव देम आई कैन रेक्टिफाई देम एंड उसके अकॉर्डिंगली आप चेंज कर सकते हैं तो आप देख सकते हैं कि थोड़ी थोड़ी कहीं कहीं जगह पर प्लेगरिज्म आ रहा है जिसको आप चेंज कर सकते हैं सो आई कैन डाउनलोड दिस रिपोर्ट एंड फाइनली चेक एंड रिमूव दिस प्लेगरिज्म पार्ट आई होप इट इज क्लियर टू यू आपको एक डेमो भी मिल गया कि किस तरीके से आप इस सॉफ्टवेयर को यूज कर सकते हैं इन रिमूविंग योर प्लेगेरिज्म कि आपको यह वीडियो पसंद आई हो प्लीज डोंट फॉर्गेट टू हिट द लाइक बटन इफ यू थिंक यू हैव लर्न समथिंग न्यू थैंक यू एंड हैव अइस डे